शहीद तरुण भारद्वाज का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद की आखिरी विदाई में उमड़ा लोगों का हुजूम, भारत माता के जयकारों से गूंजा भोंसी। कृषि मंत्री जेपी दलाल का पंजाब और राजस्थान सरकार पर तीखा वार, बोले एमएसपी पर 10 फसलों को खरीदने वाला हरियाणा देश का एकमात्र राज्य, पंजाब और राजस्थान में सिर्फ 3 फसलों की होती है खरीद। करनाल प्रकरण का शालीनता से हल निकालने ने साबित किया कि किसान हमारे अन्नदाता। जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस के कुछ लोग हमारे किसानों को बहला फुसलाकर आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं, आंदोलन में कई असामाजिक तत्व आंदोलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सोनीपत में एससीएस की परीक्षा के दौरान जीवीएम कॉलेज प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली, परीक्षार्थियों का सामान रखने की नहीं की कोई व्यवस्था, सेंटर के बाहर दुकानदारों ने वसूले डबल चार्ज, सेंटर बनाए जाने पर भी रोष। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का मेहमान बनेगा यमुनानगर का गौरव सिंह, इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम टॉप 60 में नाम शामिल, गौरव का आइडिया लागू हुआ तो देश में मोबाइल नेटवर्क की समस्या खत्म हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टोक्यो पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की, इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। महिला खिलाड़ियों के प्रदर्शन की प्रधानमंत्री ने खासतौर पर सराहना की, उन्होंने कहा कि हमारे देश की बेटियां हर क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं, बेटियों को अवसर जरूर मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने विकास के बहाने मोदी सरकार पर फिर साधा निशाना, बोले सरकार के विकास ने रविवार और सोमवार का फर्क खत्म कर दिया, 4000 कंपनियों पर जल्द ताला लग सकता है। कुरुक्षेत्र में किसानों के विरोध में बीजेपी पार्टी का कार्यक्रम रद्द किया गया, भारतीय किसान यूनियन के जिला महामंत्री ने कहा जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक बीजेपी और जेजेपी का विरोध करते रहेंगे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 31,287 नए मामले सामने आए, 37,880 रिकवरी हुई और 338 लोगों की कोरोना से मौत हुई। उधर महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,075 नए केस सामने आए हैं, एक दिन में 35 मरीजों ने दम तोड़ा, महाराष्ट्र में अभी भी करीब 49,000 केस एक्टिव हैं। तो केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, एक दिन में 181 मरीजों की मौत हुई है, केरल में अभी भी 2,00,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 57 नए केस मिले, एक दिन में 44 मरीज रिकवर हुए हैं, दिल्ली में अभी भी 412 केस एक्टिव हैं। प्रदेश में कम हो रहा कोरोना, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14 नए केस सामने आए, एक दिन में 40 मरीज रिकवर हुए हैं, प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 531 है। भिवानी में 3 दिन का वैक्सीनेशन मेगा ड्राइव शहर की कई संस्थाएं करेंगी, एनएचएम के डायरेक्टर रणदीप अपुनिया की अपील पर संस्थाएं सक्रिय हुई हैं। टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले सिंहराज अधाना ने इंडिया न्यूज पर अपने अनुभव बताए, जिंदगी में बदलाव के वे पल जहां से उन्होंने इतिहास रचकर देश का नाम रोशन कर दिया। करनाल में सामाजिक संस्था ने स्वस्थ रहें मस्त रहें का संदेश देते हुए शहर में साइकिल यात्रा निकाली, इस दौरान लोगों को प्रदूषण मुक्त भारत बनाने के लिए साइकिलिंग अपनाने का संदेश दिया गया। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक किसान साइकिल चलाकर सिरसा पहुंचा, जहां पर सिरसा के भावदीन टोल प्लाजा पर किसान जगतार सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। दिल्ली के वजीराबाद इलाके में मूर्ति विसर्जन के दौरान 4 बच्चे यमुना में डूब गए हैं, जिनमें से 3 बच्चों की मौत होने की खबर है। झज्जर पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी हुई लेडी डॉन को उसके साथी समेत गिरफ्तार किया है, जो कि हरियाणा दिल्ली समेत कई और प्रदेशों में हथियार सप्लाई करने का काम करती है। सोशल मीडिया पर हथियार लहराते हुए इस लेडी डॉन की कई वीडियो वायरल हुए हैं। फरीदाबाद में एमबीबीएस छात्र की हत्या मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पीड़ित परिवार ने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाकात की और न्याय की गुहार लगाई। जन्माष्टमी पर यह विवाद हुआ था। हरियाणा के बहादुरगढ़ में बैंक ऑफ बड़ौदा की सीनियर महिला मैनेजर का शव उसके फ्लैट में फंदे से लटका मिला, महिला झारखंड में कार्यरत थी और उसका पति झज्जर में सर्व हरियाणा बैंक में काम करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान को उनके बरसी पर संदेश लिखकर याद किया, पीएम ने रामविलास पासवान को बिहार का गौरव बताया।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेसबुक के फाउंडर और सीईओ मार्क जकरबर्ग को लेकर अभद्र टिप्पणी की है। ट्रंप ने कहा कि जब वो सत्ता में थे जकरबर्ग उनके कदमों में पड़े रहते थे। ट्रंप ने उन्हें बीमार भी बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर निशाना साधते हुए कहा कि वो अब बोरिंग जगह बन गई है क्योंकि अब वो वहां पर नहीं है। उन्होंने कहा कि कई लोगों को लगता है कि ट्विटर मेरे लिए सही नहीं है।